उसकी बेटी और चंद्रिका राय उसके परिवार में फूट डाल रहे, दोनों भाई भाई में लड़ा रहे थे। तेज प्रताप ना समझ लड़का है, समझदारी की कमी है। चंद्रिका राय को RJD में यानी लालू प्रसाद के पार्टी में रहना अनिजी लगेगा निश्चित तौर से, तो उनका पार्टी से स्वयं ही जाने का इच्छा रहा होगा। रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव TV। लालू यादव के नेतृत्व से हटते ही उनके समधी चंद्रिका राय को हटा दिया गया उनके पार्टी से, इसलिए कि वो उसकी बेटी और चंद्रिका राय उसके परिवार में फूट डाल रहे, दोनों भाई भाई में लड़ा रहे थे और दोनों भाई के बीच बहुत प्रेम है, वो अपने परिवार को मजबूत बनाना चाहते, मिलकर रहना चाहते हैं, इसीलिए बाहर से जो भी उनका रिश्ता जुड़ा उनको हटा दिया गया। तो आप इस पे राजनीतिक पे कुछ असर पड़ेगा इस चीज़ से? राजनीतिक पे क्या असर पड़ेगा, जो उसके पक्ष के लोग हैं उनका साथ देंगे, जो भी पक्ष के लोग हैं उनका फायदा उठाएंगे। चंद्रिका राय जदयू ज्वाइन करने वाले हैं? जदयू ज्वाइन करने वाले हैं तब उनके पार्टी के लोग अब जो उनको सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर हारेंगे। तेज प्रताप के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे तेज प्रताप? तेज प्रताप ना समझ लड़का है, समझदारी की कमी है, ऐसे तो इंसान ठीक ही है। चंद्रिका राय जो लालू यादव के समधी उनको पार्टी से हटा दिया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, पार्टी से उनको हटा दिया तो उनको तो खुद ही छोड़ देना चाहिए था सबसे पहली बात, क्योंकि इंसान को जहाँ मान सम्मान ना हो वहाँ तो रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उनको तो पहले ही हट जाना चाहिए, लेकिन हटा दिया गया ये सही नहीं। हाँ, पार्टी से हटा दे क्योंकि अब लालू यादव के वो तो समझ लगते हैं, लेकिन राजनीति में तो व्यक्तिगत चीज़ें को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति में व्यक्तिगत चीज़ें देखिए तो परेशानियाँ होती हैं। हाँ, ये तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लॉस भी तो पार्टी को झेलना पड़ता है ना इन सब चीज़ों का। अगर जब पार्टी में अपना अगर इस तरह का बात होता है तो कहीं ना कहीं खामियाजा भी तो इन लोगों आएगा। तो RJD पार्टी को चंद्रिका राय छोड़ रहे हैं तो इस पर पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन समाज में तो कुछ संदेश गया ना, ये तो बड़ी बात है ना। किस तरह का संदेश गया? ये संदेश गया जो कि आपसी विवाद हो जाना, इस तरह का पारिवारिक प्रताड़ना खुद के घर में, ये थोड़ा सा बताता है। देखिए, वो सपना देख रहे हैं तो बढ़िया बात है, सबको सपना देखने का अपना ये है और कोशिश तो करना ही चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा देखिए असर नहीं जाएगा, लेकिन कुछ तो। तेज प्रताप को आप कैसा नेता मानते हैं? बढ़िया है, यंग है, चूँकि यंग है इसलिए अच्छा मानते हैं, संघर्ष करना चाहिए और सही दिशा में करना चाहिए। समाज किस दिशा में जा रहा है इसको पकड़िए, इसको समझिए, समझे ना, उसको ले करके चलने की कोशिश कीजिए जहाँ जाना चाह रहा है, उस तरह का कुछ अपना मतलब कि अलग कुछ करना होगा तभी कुछ बात बन सकता है। ठीक है, चंद्रिका राय जी के बेटे के साथ लालू परिवार में जो कुछ भी हुआ होगा आपने जाना है तो देखा सुना होगा, तो उसके बाद चंद्रिका राय को RJD में यानी लालू प्रसाद के पार्टी में रहना अनिजी लगेगा निश्चित तौर से, तो उनका पार्टी से स्वयं ही जाने का इच्छा रहा होगा, और वैसे बात व्यवहार के बाद रिलेशन ख़राब होने के बाद उस पार्टी में वो रह भी नहीं सकते थे, तो देखा जाए तो या तो वो स्वयं जाना चाहें या पार्टी उन्हें निकाल रहा हो, हर हाल में उनको जाना तो था ही। इस चीज़ की वजह से तेजस्वी को CM का चेहरा देखने को मिलेगा, CM बनने का जो है उनका अंदर का? पार्टी पॉलिटिक्स में ऐसा है, राजनीतिज्ञों के बीच पार्टियों में ऐसे बातों को कुछ ही समय में लोग भूल जाते हैं, और किसी के हाथ में नेतृत्व जब सौंपना होता है तो वो दो चार लोगों में एक तलाशते हैं, और जो कुछ भी अभी की घटना है उससे ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके का कुछ राजनीतिक हलचल जो सामाजिक पारिवारिक दृष्टि से गलत लोग मानते हों और आगे जाकर उनको लोगों ने हमेशा के लिए किसी पार्टी को ठुकरा दिया हो, ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए अब तेजस्वी यादव की बात है तो वो उनका अपना जो एक्टिविटी या पर्सनलिटी है, सूझबूझ है, उसके आधार पर आज या कल माना जा रहा है कि इस बार तो आपके नीतीश कुमार ही रहने जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार जैसे बनी है जिस विकास के मामले में, तो बिहार में भी चूँकि नीतीश कुमार ने विकास किया और विरोध चाहे उनका जितना भी हो
सरकार उनकी बनेगी। इसी तरीके से माना जा रहा है कि आगे के दिनों में जब तेजस्वी यादव एक नौजवान हैं तो बाद के दिनों में संभव है कि उनको लोग एक बार मौका दें। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए।